हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के ये पार्ट 10 में आज हम देखने वाले हैं हीट इंजन। हीट इंजन के ये टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इट हीट इंजन, स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम को भी देखने वाले हैं और इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन को भी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट यानी पार्ट नंबर 9 में हमने हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को कंप्लीट किया था। लास्टली हमने दो प्रोसेसेस देखी थी, साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपांशन। तो आज से ये हीट इंजन स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीट इंजन यानी क्या है, हमने पहले ही थोड़ा सा मैंने इसकी आइडिया दी थी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल ही है हीट इंजन, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस जब हमने स्टार्ट किया था तब हीट इंजन का एग्जांपल मैंने दिया था। तो हीट इंजन क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है, हीट इंजन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है विच ट्रांसफॉर्म हीट को ट्रांसफॉर्म करता है पार्टली इनटू वर्क। किसमें ट्रांसफॉर्म करता है, वर्क में ट्रांसफॉर्म करता है, और वी से दैट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट इंजन क्या है, इट इज़ ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्टली इनटू वर्क, हीट को ट्रांसफॉर्म करता है वर्क में और मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें जो है हीट इंजन में जो वर्क होता है, इट इज़ हीट इंजन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ और बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। हमने देखा हुआ है कि साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल ही है हीट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंजन में हमको सब थर्मोडायनेमिक चेंजेस ही देखना है, और सबसे बड़ा एग्जांपल है हीट इंजन का तो ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, ठीक है, इट इज़ ऑटोमोबाइल इंजन्स आर मोस्ट फैमिलियर, और अपने को मालूम है तो इट इज़ द वेरी मच नोन एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन क्या है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है डेफिनेशन हीट इंजन की, हीट इंजन आर डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्टली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, और हीट इंजन्स वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन कैसा वर्क करता है, बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक चेंजेस। ठीक है, अब जो हीट इंजन हमने अभी देखा कि हीट इंजन ट्रांसफॉर्म हीट इनटू द वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, तो वो हीट इंजन को जो हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है ये देखेंगे। तो हीट रिसीव्स बाय द हीट इंजन, जो हीट मिलती है किसको, हीट इंजन को, वो कहाँ से आती है, हीट इंजन को इंजन वो कहाँ से आती है, तो इट रिसीव्स द हीट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से मिलती है, और वो जो सोर्स है, सोर्स हीट देता है। ठीक है, और वो सोर्स को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज रिजर्वायर, रिजर्वायर। ठीक है, और ये रिजर्वायर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सम पार्ट ऑफ हीट का कुछ पार्ट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सम पार्ट ऑफ हीट इनटू द वर्क। एंड कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही हीट ये हीट इंजन एब्सॉर्ब कर लेगा, तो क्या होता है कि कुछ जो पार्ट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क हो जाता है, बट कुछ जो पार्ट है इट इज़ लॉस्ट। कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और लॉस्ट हो जाता है और उसको ही क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट। समझ में आया फिर कि जो सोर्स हीट प्रोवाइड करता है, हीट सप्लाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज रिजर्वायर, इसको भूलना नहीं है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, अ हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम ए सोर्स कॉल्ड रिजर्वायर एंड कन्वर्ट सम ऑफ इट इनटू द वर्क। ठीक है, और हीट एब्सॉर्ब इज़ नॉट कन्वर्टेड, पूरा का पूरा ऑल द हीट एब्सॉर्ब इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द वर्क बाय ए हीट इंजन, सम ऑफ हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट, कुछ एनर्जी लॉस्ट भी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया फिर हीट इंजन क्या है। तो अब देखना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द हीट इंजन, कौन से हीट इंजन में एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो उसको डिटेल में देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट
हीट इंजन का एलिमेंट्स है, जैसे कितने एलिमेंट्स रहते हैं, तो थ्री एलिमेंट्स रहते हैं. फर्स्ट वन इज़ नोन एज वर्किंग सब्सटेंस, सेकंड वन इज़ नोन एज हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, एंड थर्ड वन इज़ नोन एज सिलेंडर. तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है उसको डिटेल से देखेंगे. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन. एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन में पहला देखना है ए वर्किंग सब्सटेंस. अब वर्किंग सब्सटेंस यानी क्या है इसको पहले डिटेल से देखेंगे. वर्किंग सब्सटेंस यानी कौन सा वर्किंग सब्सटेंस है, तो वर्किंग सब्सटेंस फर्स्ट मैं यहाँ पर हेडिंग डालती हूँ वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस, अब वर्किंग सब्सटेंस में क्या है तो इसको मेन क्या बोलते हैं, दिस वर्किंग सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम. इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज सिस्टम. ठीक है, और ये क्या है वर्किंग सब्सटेंस क्या है, इट इज़ एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल हीट इंजन. ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टम बोलते हैं, और इट इज़ क्या है उसमें क्या है, मेनली आइडियल गैस. ठीक है, आइडियल गैस होता है. अब प्रैक्टिकल हीट इंजन अगर हमको कंसिडर करना है, प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए जो वर्किंग सब्सटेंस रहता है वो क्या रहता है प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रैक्टिकल, फॉर प्रैक्टिकल हीट इंजन, हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है, वर्किंग सब्सटेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्यूएल, मिक्सचर ऑफ फ्यूएल वेपर, फ्यूएल वेपर एंड एयर. किसका मिक्सचर रहता है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर रहता है. और मेनली क्या रहता है, पेट्रोल, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, वही है ये. तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज गैसोलीन. गैसोलीन मीन्स क्या है, इट इज़ नोन एज पेट्रोल. ठीक है, गैसोलीन मीन्स क्या है, सो वी से दैट इट इज़ गैसोलीन. गैसोलीन मीन्स क्या है, इट इज़ अ पेट्रोल, और पेट्रोल भी है और डीजल, डीजल इंजन. गैसोलीन और पेट्रोल, पेट्रोल बोलेंगे उसको और डीजल इंजन बोलेंगे. और स्टीम, अगर स्टीम इंजन कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, मेनली स्टीम रहेगा. स्टीम किस में रहेगा, स्टीम इंजन में, स्टीम इंजन. तो समझ में आया कि ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है. तो वर्किंग सब्सटेंस और क्या करता है वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस इट एब्सॉर्ब्स द हीट, एब्सॉर्ब्स करता है हीट को, कहाँ से, फ्रॉम रिजर्वायर. रिजर्वायर कौन है, जो प्रोवाइड करता है हीट, वो जो सोर्स है. ठीक है, फ्रॉम रिजर्वायर, रिजर्वायर एंड देन इट डज अ वर्क, देन वो वर्क करता है. ठीक है, समझ में आया ये. तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम. देखो मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको, वर्किंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एज द सिस्टम. उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं पहले तो. ठीक है, और वो क्या है, इट इज़ एन आइडियल गैस. आइडियल गैस है अगर हम कंसिडर कर रहे हैं आइडियल हीट इंजन, तो उसमें क्या है, आइडियल गैस है. ठीक है, और अगर हम प्रैक्टिकल हीट इंजन की बात करें, तो इन प्रैक्टिकल हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है, वर्किंग सब्सटेंस रहता है फ्यूएल ऑफ, फ्यूएल रहता है. वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ फ्यूएल वेपर एंड एयर. फ्यूएल वेपर एंड एयर का मिक्सचर रहता है जिसमें, इन ए गैसोलीन, गैसोलीन यानी क्या है, पेट्रोल, और इन डीजल इंजन, और स्टीम इन स्टीम इंजन. वर्किंग सब्सटेंस क्या क्या रहता है, समझ में आया क्या, कि वर्किंग सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यूएल. किसका मिक्सचर रहता है, फ्यूएल वेपर एंड एयर का मिक्सचर रहता है, एंड ऑल्सो गैसोलीन, गैसोलीन यानी पेट्रोल. ठीक है, यही क्या है, गैसोलीन और पेट्रोल, और डीजल इंजन, और स्टीम इन ए स्टीम इंजन. ठीक है, और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करता है, इट एब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड इट डज वर्क. ठीक है, फिर क्या करता है, वो वर्क करता है. यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम. इट इज़, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं. अभी हमने देखा इट कैन बी आइडियल गैस, वो उसमें क्या है, वो क्या हो सकता है, आइडियल गैस है फॉर आइडियल हीट इंजन. और फॉर प्रैक्टिकल
हीट इंजन, प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए वर्किंग सब्सटेंस कैन बी ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर इन अ गैसोलीन पेट्रोल और डीजल इंजन और स्टीम इन ए स्टीम इंजन। इट इज़ द वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्सॉर्ब हीट एंड डज वर्क। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द रिजर्वायर एंड इट डज द वर्क। ठीक है, और वर्क करता है, समझ में आया ये फिर। ठीक है, सेकंड एलिमेंट देखेंगे। सेकंड एलिमेंट इज़ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। सेकंड एलिमेंट क्या है, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर क्या है उसको डिटेल में देखेंगे अब। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। अब हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर क्या है, अब वर्किंग सब्सटेंस जो है वो इंटरेक्ट करता है विद द रिजर्वायर, यानी वर्किंग सब्सटेंस रिजर्वायर से हीट लेता है और वर्क करने लगता है। ठीक है, तो हॉट रिजर्वायर क्या करता है वो पहले देखेंगे। अब वर्किंग यहाँ पे देखो क्या हेडिंग है, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। तो हॉट रिजर्वायर क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट। क्या है, सोर्स ऑफ हीट है। ठीक है, और इट इज़ एट ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। और वो कैपेबल है फॉर प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट हायर टेम्परेचर। यानी वो क्या देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कॉन्स्टेंटली देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है, हायर है, कॉन्स्टेंट है पर हायर टेम्परेचर। सपोज इट इज़ TH। ठीक है, एंड सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज सोर्स, क्योंकि वो हीट देता है एट कॉन्स्टेंट हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सोर्स भी कहा जाता है। समझ में आया क्या ये। अब हॉट रिजर्वायर, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर है सेकंड एलिमेंट, तो इसमें से हॉट वाला देखेंगे। हॉट यानी क्या है, हॉट रिजर्वायर इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, सोर्स ऑफ हीट है, क्यों सोर्स ऑफ हीट है, बिकॉज इट इज़ एट हाई टेम्परेचर इट इज़ कैपेबल of providing large amount of heat at constant higher temperature TH, so it is called as source. वो क्या provide करता है, large amount of heat provide करता है at constant higher temperature, so it is called as source. और अब cold reservoir की तरफ देखेंगे, cold reservoir क्या करता है, cold reservoir absorbs करता है, ये तो देता है हीट हॉट वाला, और cold reservoir क्या करता है, it absorbs large amount of heat. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कहाँ एब्सॉर्ब करता है, कहाँ से एब्सॉर्ब करता है, फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस से ये, जैसे ये हमने देखा है, ये एब्सॉर्ब, ये जो है वर्किंग सब्सटेंस को हीट जो है वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो हॉट रिजर्वायर क्या करता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, हीट सप्लाई कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, कोल्ड रिजर्वायर, इट एब्सॉर्ब्स द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और कहाँ से लेता है, फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस से। अभी हमने वर्किंग सब्सटेंस डिटेल में देखा है, वर्किंग सब्सटेंस से वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वर्किंग सब्सटेंस से एब्सॉर्ब करता है कौन से, एट लोअर टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय TC, क्योंकि कोल्ड के लिए टेम्परेचर, इट इज़ डिनोटेड बाय TC, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिंक। उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज सिंक। ठीक है, हॉट रिजर्वायर को क्या कहा जाता है, सोर्स, और कोल्ड रिजर्वायर को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज सिंक। ठीक है, समझ में आया, कोल्ड रिजर्वायर क्या करता है, इट एब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर एंड इट इज़ कॉल्ड एज सिंक।
ठीक है। हॉट रिजर्वायर क्या कर रहा है? हॉट रिजर्वायर यहाँ पे मैं पढ़ के ही बताती हूँ आपको, यानी अच्छे से समझ में आएगा। द वर्किंग सब्सटेंस इंटरैक्ट विद द रिजर्वायर, द हॉट रिजर्वायर इज़ द सोर्स ऑफ हीट। हॉट रिजर्वायर को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ हीट बोलते हैं। इट इज़ रिलेटिवली एट हायर टेम्परेचर, वह हायर टेम्परेचर पर रहता है, एंड इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट हायर टेम्परेचर TH। ठीक है, वो क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते रहता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज सोर्स। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सोर्स कहा जाता है। ठीक है, और कोल्ड रिजर्वायर क्या करता है? कोल्ड रिजर्वायर एब्सॉर्ब करता है हीट, ओके। और एब्सॉर्ब कैसे करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब करता है। कहाँ से एब्सॉर्ब करता है? फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस से एब्सॉर्ब करता है, एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर TC, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिंक। सिंक और किसको कहा जाता है? कोल्ड रिजर्वायर को। और सोर्स किसको कहा जाता है? हॉट रिजर्वायर को। ठीक है, समझ में आया ये? तो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर समझ में आया। हॉट है सोर्स और कोल्ड रिजर्वायर इज़ नोन एज सिंक। ठीक है, थर्ड एलिमेंट को देखेंगे, इट इज़ नोन एज सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है? तो सिलेंडर जो है जनरली हमने देखा है वही है सिलेंडर। तो सिलेंडर इट इज़ ए वर्किंग सब्सटेंस। सिलेंडर क्या है? यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिलेंडर। सिलेंडर भी एक प्रकार का वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस है। और इट इज़ जो ये क्या होता है, इसमें जो हम कंसिडर करते हैं वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज़ आइडियल गैस। वो आइडियल गैस एनक्लोज रहता है इन द सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर में आइडियल गैस एनक्लोज रहता है, यानी आइडियल गैस बोल सकते हो आप, या वर्किंग सब्सटेंस भी बोल सकते हो। वर्किंग सब्सटेंस, ओके, वर्किंग सब्सटेंस बोलो और आइडियल गैस भी बोल सकते हो। और इट इज़ क्लोज विथ ए मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन से इसको एनक्लोज किया जाता है। पिस्टन कैसा है? मूविंग है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस भी है। ठीक है, और वर्किंग सब्सटेंस जो है, इट्स डज सम वर्क बाय डिस्प्लेसिंग दिस पिस्टन इन द सिलेंडर। वर्क कैसा करेगा? अब ये वर्किंग सब्सटेंस वर्क कैसा करेगा? तो ये जो पिस्टन लगाया हुआ है, इसको वो डिस्प्लेस करके वर्क डन करेगा। ठीक है, वर्क डन कैसे होता है आपको मालूम है, ये हमने देखा हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट यूजिंग सम अरेंजमेंट सच एज क्रैंक शैफ्ट। उसको क्या बोलते हैं? क्रैंक शैफ्ट, याद रखना है ये नेम, क्रैंक शैफ्ट। क्रैंक शैफ्ट यानी क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये किस पे कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? इट इज़ ट्रांसफ़र टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र की जाती है, तो कौन से डिवाइस बोल सकते हो और कौन से अरेंजमेंट से ट्रांसफ़र की जाती है? इट इज़ नोन एज क्रैंक शैफ्ट। ठीक है, विच ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल। ओके, ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है टू द व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। समझ में आया क्या ये कैसा है? तो ये समझ में आया, जनरली जो वर्किंग सब्सटेंस रहता है, वर्किंग सब्सटेंस यानी क्या है? अपना आइडियल गैस। वो कहाँ इनक्लोज रहता है? इन ए सिलेंडर। सिलेंडर में इनक्लोज रहता है और सिलेंडर में रहता है, और वो सिलेंडर कवर किससे रहता है? इट इज़ जनरली कवर्ड विथ ए मूविंग फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। ठीक है, अब वर्किंग सब्सटेंस वर्क कैसा करता है? बाय मूविंग दिस पिस्टन, बाय डिस्प्लेसिंग दिस पिस्टन। पिस्टन को डिस्प्लेस करके वहाँ पे वर्क डन होता है। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? टू द एनवायरनमेंट बाय द अरेंजमेंट। एक स्पेशल अरेंजमेंट से ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज क्रैंक शैफ्ट। इट इज़ नोन एज क्रैंक शैफ्ट। तो ये क्रैंकशाफ्ट क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल एनर्जी। किसको ट्रांसफ़र करता है? टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल को ये मैकेनिकल एनर्जी क्रैंकशाफ्ट ट्रांसफ़र करता है।
यही सब हमने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया ना? सब थेरोटिकल है, आप आपके टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ो, यानी ये सब थेरी आपको समझ में और अच्छे से आएगी। तो वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज इन ए सिलेंडर विद ए मूविंग फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन, वही है। और वर्किंग सब्सटेंस डज सम वर्क, वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, बाय डिस्प्लेसिंग द पिस्टन इन द सिलेंडर, जो पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर को उसको डिस्प्लेस कर रहा है। दिस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, टू द एनवायरनमेंट हो रही है, और ये जो अरेंजमेंट हो बाय यूजिंग सम अरेंजमेंट, इट इज़ नोन एज क्रैंक शाफ्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्रैंक शाफ्ट विच ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, समझ में आया। क्रैंक शाफ्ट को भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, इट ट्रांसफर्स जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र करता है, विच इज़ ट्रांसफर टू द मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हीकल्स और व्हील्स ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स जो है हीट इंजन के कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट एलिमेंट था वर्किंग सब्सटेंस, सेकेंड वन देखो, फर्स्ट एलिमेंट था हमारा वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, सेकेंड था हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, और थर्ड था सिलेंडर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हीट इंजन का क्लासिफिकेशन क्या है हीट इंजन का, उसको देखेंगे। तो जैसे अकॉर्डिंग टू ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, इट एब्सॉर्ब्स द हीट को एब्सॉर्ब करता है, और ये बाय एब्सॉर्बिंग द हीट, दिस हीट इंजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू वेज, फर्स्ट वन इज़ नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेकंड वन इज़ नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी क्या है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, जनरली हमने क्या कंसिडर किया था वर्किंग सब्सटेंस को, जो आइडियल गैस है आइडियल हीट इंजन के लिए, और गैसोलीन है, या गैसोलीन मीन्स पेट्रोल है और डीजल है, जो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है। तो ऐसे वर्किंग सब्सटेंस, सपोज़ ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, अगर एक्सटर्नली हीट होते हैं तो इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन पढ़ते हैं, देखो, इन एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन द वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड एक्सटर्नली, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कहाँ हीट होता है, एक्सटर्नली हीट होता है, एज इन केस ऑफ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, स्टीम रहता है, वर्किंग सब्सटेंस है स्टीम, इट इज़ हीटेड एक्सटर्नली, कहाँ हीट होता है, एक्सटर्नली हीट होता है, तो इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। और सेकेंड टाइप है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होगा फिर, तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट होगा इंटरनली, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, अपना जो व्हीकल रहता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन का ही एग्जांपल है, विच यूजिंग गैसोलीन और डीजल, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं, इन केस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन द वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली और सिमिलर टू एन ऑटोमोबाइल इंजन यूजिंग गैसोलीन और डीजल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन समझ में आया, इन टू वेज क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, वेयर हीट जो वर्किंग सब्सटेंस हीटेड एक्सटर्नली, और इंटरनल कंबशन इंजन वेयर वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल है स्टीम इंजन, और इंटरनल कंबशन का एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है, समझ में आया ये क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। अब नेक्स्ट देखना है हमको, ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे अब कि जो हीट इंजन में व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉलोड बाय द हीट इंजन, हीट इंजन वर्क कब जब करता है तो कौन सा बेसिक स्टेप फॉलो करता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, बेसिक स्टेप्स फॉलोड बाय ऑल द हीट इंजन्स, ठीक है। यानी क्या है, एनी हीट इंजन वर्क्स इन द फॉलोइंग थ्री बेसिक स्टेप, यानी वो वर्क करता है तो तीन स्टेप्स फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज द वर्किंग सब्सटेंस एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है। पहली स्टेप क्या है, वर्किंग सब्सटेंस की है, वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर से एट हायर टेम्परेचर,
ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, पार्ट ऑफ हीट क्या करता है, वो एब्सॉर्ब किया हुआ बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। पार्ट ऑफ हीट क्या होते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क। जो हीट एब्सॉर्ब की है उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट होता है, और जो रिमेनिंग हीट है इट इज़ ट्रांसफर टू अ कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। जो रिमेनिंग हीट बचती है वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है, कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, समझ में आया, तीन स्टेप समझ में आई क्या। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एब्सॉर्ब्स हीट, हीट को एब्सॉर्ब्स करता है, एब्सॉर्ब्स हीट कहाँ, कहाँ से एब्सॉर्ब करता है, फ्रॉम रिजर्वायर, रिजर्वायर से एब्सॉर्ब्स करता है, रिजर्वायर। ओके, समझ में आया। सेकेंडली, अब हीट जो एब्सॉर्ब किया है उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क, वर्क में कन्वर्ट होता है। थर्डली, जो रिमेनिंग हीट बचती है, जो बची हुई हीट है, आधा पार्ट उसका जो बचा हुआ है, आधा नहीं बोलेंगे, रिमेनिंग जो है पार्ट, रिमेनिंग पार्ट अब बचा हुआ है, वो क्या होगा, इट इज़ ट्रांसफ़र टू द, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोल्ड रिजर्वायर को, कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफ़र होगा एट लोअर टेम्परेचर पे। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स फॉलोड बाय द हीट इंजन, वर्क करता है थ्री स्टेप्स में, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट अब देखने वाले हैं हम, कि वो एक स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम और फॉर ए हीट इंजन। ये आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रही है वो एनर्जी फ्लो डायग्राम है हीट इंजन की, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्री मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, थ्री मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन। तो देखो, फ्लो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जो आपको अलग अलग स्टेजेस दिखाई दे रही है डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ऊपर देखो, एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस, एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ठीक है, एनर्जी का जो है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब कैसा, जैसे हमने देखा है कि हॉट रिजर्वायर सोर्स से हीट लेता है, और कोल्ड रिजर्वायर में, और जो हॉट रिजर्वायर सोर्स से हीट लेता है और वर्क करता है, और जो कुछ पार्ट जो बचता है वो कहाँ चला जाता है, वो रिजेक्ट किया हुआ पार्ट कोल्ड रिजर्वायर में जाता है एट लोअर टेम्परेचर, ये हमने देखा हुआ है। वही सब अभी हमको देखना है डिटेल में, ये डायग्राम के थ्रू देखना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम देखो, आपको दिखाई दे रही है ये डायग्राम, तो यहाँ पे क्या है, देखो इसको डिटेल से आप करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इनपुट क्यू एच। इनपुट क्यू एच क्या है, तो ये है क्यू एच, ये है हीट एब्सॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस एट द सोर्स। ठीक है, इनपुट है ना, इनपुट है, यानी ये क्या है, इट इज़ द हीट एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब की गई हीट है ये, कौन कहा, बाय द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, आउटपुट यानी जो हीट रिजेक्ट हो गई है, हीट रिजेक्टेड। ठीक है, कुछ जो हीट एब्सॉर्ब हो गई है वो तो वर्क में कुछ उसका पार्ट चला जाएगा, और जो बचाव कुछ पार्ट है वो रिजेक्ट किया गया, वो क्या हो जाता है, कहा आता है ये, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस क्यू सी, और ये कहाँ चला जाता है, इट इज़ रिजेक्टेड बाय इट एट द सिंक। ये कहाँ चला जाता है, सिंक में चला जाता है, तो इट इज़ नोन एज सिंक, ये क्या है, सिंक है। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर आपको दिखाई दे रहा है एट टेम्परेचर टी सी, और हॉट रिजर्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर, हॉट रिजर्वायर यानी क्या है, ये इनपुट है। समझ में आया, दिस इज़ हॉट रिजर्वायर, दैट इज़ इट इज़ नोन एज इनपुट। ठीक है, तो ये हीट इंजन में ये क्यू एच की वैल्यू कैसी रहती है, क्यू एच क्या है, जो हीट एब्सॉर्ब होती है वो, तो वैल्यू ऑफ क्यू एच इज़ पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ क्यू एच इज़ पॉजिटिव, और ये क्यू सी जो है, क्यू सी क्या है, हीट रिजेक्टेड है, तो वैल्यू ऑफ क्यू सी इज़ निगेटिव है।
ठीक है, वैल्यू ऑफ़ क्यू सी कैसा रहता है, निगेटिव है। अब हमने देखा है कुछ जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, ये यहाँ से रिजर्वायर से कुछ हीट एब्सॉर्ब हो रही है, वो हीट कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। यहाँ पे आप देखो ये एरो क्या इंडिकेट करता है, वर्क, कुछ पार्ट ऑफ हीट इज़ कन्वर्टेड इन टू द वर्क बाय द वर्किंग सब्सटेंस। और जो बचा हुआ जो अब ये जो बीच में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, यही अपना क्या है, दिस इज़ नोन एज हीट इंजन। इसको ही क्या बोलेंगे हम, हीट इंजन। ठीक है, एक्चुअली पहले मैंने यही बताना चाहिए था, ये जो सर्कल है ये सर्कल इंडिकेट करता है हीट इंजन को, और जो ऊपर है हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH, ये है अपना सोर्स। यहाँ से इनपुट मिलता है, यानी जितनी हीट एब्सॉर्ब की जाती है वो पार्टली कन्वर्ट होती है वर्क में, और जो बचा कुचा पार्ट है वो कहाँ रिजेक्ट हो जाता है, कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC। ठीक है, समझ में आया। देखो मैं लगे तो इसको फिर से इरेज कर देती हूँ, यानी आपको समझ में आएगा ये जो बीच में वाला जो सर्कल है ये क्या है, अपना हीट इंजन है। देखो हीट इंजन है, अब इसको वर्क करना है, वो हीट कहाँ से लेता है, हीट लेता है, यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये हीट लेता है फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH, उसको ही क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं QH। ठीक है, तो जो हीट ली है वो कुछ पार्ट उसका यूज़ किया गया है फॉर डूइंग वर्क, वर्क के लिए यूज़ किया गया है, कुछ पार्ट उसका, देखो मैं भी यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो हॉट रिजर्वायर से जो हीट ली है वो कुछ पार्ट उसका कन्वर्ट करेंगे वर्क में, और कुछ जो पार्ट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, इट इज़ रिजेक्टेड एंड गोज़ इनटू द कोल्ड रिजर्वायर। सो दिस कोल्ड रिजर्वायर इज़ ऑल्सो नोन एज सिंक, इसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, वह कुछ पार्ट यानी ये हॉट रिजर्वायर से जो हीट लेते हैं दैट इज़ इनपुट बोलेंगे हम, कितने अमाउंट की QH, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, सम पार्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड सम पार्ट इज़ रिजेक्टेड एंड इट गोज़ इनटू द कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC, इट इज़ नोन एज सिंक, उसको क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये यहाँ तक आपको समझ में आया, सिंक यानी क्या, हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर, आउटपुट QC है, QC क्या है, समझ में आई क्या, QC है हीट रिजेक्टेड बाय इट एट द सिंक। अब यहाँ पे QH की वैल्यू कैसी है, QH पॉजिटिव रहता है क्योंकि वो इनपुट है, इनपुट है, इनपुट है बोल सकते हो, या हीट एब्सॉर्ब है, एब्सॉर्ब हीट है। और QC कैसा रहता है, इट इज़ निगेटिव रहता है। निगेटिव क्यों रहता है, बिकॉज इट हीट रिजेक्टेड है वो। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड है, रिजेक्ट की गई हीट है, इसलिए इट इज़ डिनोटेड बाय निगेटिव साइन। ओके, ये समझ में आया। अब ये यहाँ पे ये सर्कल तो इंडिकेट करता है हीट इंजन, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है हीट पाइपलाइन, ये जो है इट इज़ दे आर नोन एज, ये जो है दे आर नोन एज हीट पाइपलाइन। ठीक है, तो हीट पाइपलाइन ये क्या करती है, एक तो हीट एब्सॉर्ब करती है या रिजेक्ट करती है, या और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क, वर्क में भी कन्वर्ट करती है। हीट पाइपलाइन का क्या 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 काम है, एब्सॉर्ब करेगी पहले तो हीट, देन वर्क में कन्वर्ट करेगी कुछ पार्ट इसका रिजेक्ट करेगी इनसाइड द सिंक। ठीक है, तो ये है हीट पाइपलाइन का, हीट पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। अब हीट पाइपलाइन की जो विड्थ है, यानी अगर